दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर के पास से संदिग्ध कोई वस्तु मिली है और ये अफवाह यहाँ पर सामने आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बॉम्ब स्क्वाड यानी कि बम निरोधक दस्ता भी मौके पर फौरन पहुंचा। एक डस्टबिन में संदिग्ध वस्तु भी मिली। देखिए मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, हालांकि इसे जब्त कर लिया गया है। अब ये संदिग्ध वस्तु आखिर है क्या, क्या कुछ इसके अंदर है, क्या वाकई ये कोई बड़ी साजिश को दहलाने की कोशिश है या एक अफवाह मात्र है, अभी ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। रुमान, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, जो संदिग्ध वस्तु यहाँ पर मिला है उसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जो संदिग्ध वस्तु मिली थी करीब 10 बजे के बाद इसको देखा गया था और उसके बाद पुलिस को कॉल की गई थी। फौरन ही मौके पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पहुंचा, जिसके बाद ये रॉड नुमा एक चीज है जो एक सर्किट जैसा लग रहा था और इसको एक पॉलिथिन में रैप किया गया था। इस संदिग्ध चीज को डॉग स्क्वाड के जरिए चेक किया गया और उसके बाद फिर बीडीएस ने इसको जो ब्लैंकेट है, जो एंटी ब्लास्ट ब्लैंकेट है, उसके ढककर अपने कब्जे में ले लिया है। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर क्या है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये वस्तु क्या थी और क्या किसी शरारती तत्व ने इसको फेंका था या वाकई में किसी बड़ी साजिश का ये हिस्सा थी, जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन रुमान, इसके अलावा क्या आसपास से कुछ और भी चीजें यहाँ पर बरामद हुई हैं जो संदिग्ध तौर पर दिखाई दे रही हो, या कोई लेटर या फिर भी कुछ ऐसे सामान आसपास के इलाकों में इस वक्त क्या कुछ जारी है? देखिए, बिल्कुल कोई लेटर या चिट्ठी नहीं मिली है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये पूरा इलाका है और नेशनल मीडिया सेंटर चूंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यहाँ पे कई सारे दफ्तर हैं, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी कवर इस पूरी बिल्डिंग को मिला हुआ है। लिहाजा ये जो अलर्ट वाली जो बिल्डिंग्स है जिन पर आतंकी हमले का खतरा रहता है, उसमें एक ये बिल्डिंग भी शामिल है। इससे पहले जो सरकारी इमारतों का नाम लिया गया था जिस पर आतंकी हमले का खतरा था, उसमें ये इमारत भी शामिल है। ऐसे में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसी वजह से बीडीएस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और जो संदिग्ध वस्तु थी इसको अभी अपने कब्जे में लेकर जांच की जा रही है और जो इसके पीछे कौन डालने वाले लोग थे, आसपास के सीसीटीवी फुटेज है, उसकी भी जांच की जा रही है और जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या है। चलिए, थोड़ा इंतजार यहाँ पर और करना होगा। जैसा कि हमारे संवाददाता रुमान हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि संदिग्ध वस्तु कब्जे में ले ली गई है, बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। अब क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता है, अफवाह है, फिर हकीकत के तौर पर क्या तस्वीर सामने आती है वो बताएंगे। रुमान, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।